और चलिए बात कोरोना के खिलाफ जारी जंग की करते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है और इसके लिए कॉरपोरेट कंपनियां भी इस जंग में सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर साथ चल रही है। इन्हीं में से एक है लग्रो इंडिया ग्रुप, जो देश के 6 शहरों में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। लग्रो इंडिया ग्रुप के सीईओ के मुताबिक लीडर वही है जो प्रासंगिक और ये मुहिम भी उसी का हिस्सा है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग बड़ी है, ये युद्ध लंबा चलेगा। हमारी सरकार ने भी वायरस पर अंतिम विजय मिलने तक जंग के लिए कमर कस ली है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को वैक्सीनेट करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चला रखा है। देश की इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करना आसान नहीं है, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता ने साबित किया है कि हमें मंजिल जरूर मिलेगी। सरकार की इसी प्रतिबद्धता में साथ देश की कॉरपोरेट कंपनियों का भी मिल रहा है, जिसमें लग्रो इंडिया ग्रुप की भूमिका सराहनीय रही है। लग्रो इंडिया ग्रुप ने देश के 6 शहरों में वैक्सीनेशन अभियान चला रखा है। इस अभियान में सरकार ने जहां वैक्सीन का जिम्मा उठाया है, वहीं लग्रो इंडिया ग्रुप पर इस वैक्सीन को आम लोगों तक आसानी से पहुंच बनाने का जिम्मा है। लग्रो इंडिया ग्रुप का टारगेट है 25,000 लोगों तक वैक्सीन पहुँचाना। We are celebrating in India our 25 years of success. How can we be more active in this country than participating to this huge effort of vaccination and providing the vaccination for more than 25,000 people? लग्रो इंडिया ग्रुप के सीईओ और एमडी टोनी बर्लैंड की माने तो उन्होंने इस संकट के शुरुआती दौर में ही यह फैसला कर लिया था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनकी कंपनी साथ देगी, और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने कर्मचारियों से की, जिसका मकसद था उन्हें सुरक्षित वातावरण देना। We at Legrand, we consider that we can't be a leader in our industry without being a relevant actor in the environment we are operating in. At the beginning of the pandemic, we immediately realized that we wanted to be part of the fight against the pandemic. We started with the employees because we wanted to provide them a good environment, a safe environment. But we realized it was not enough, and we realized that we had to help the communities. इलेक्ट्रिकल और डिजिटल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी लग्रो इंडिया ने अपने CSR कार्यक्रम के तहत देश के 6 शहरों को चुना, जिसमें नासिक, पुणे, कोच्चि, बैंगलोर, चेन्नई और नोएडा शामिल है। इन शहरों में लग्रो इंडिया के टेक्नीशियन, रिटेलर और पार्टनर के साथ आम लोगों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लग्रो इंडिया ने अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर हर तरह की सुविधा मुहैया कराई है। The second wave hurt us a lot, like everybody. Once again, we focused on our employees, trying to help them and their families. But once again, it was not enough. We wanted to support the full communities. लग्रो इंडिया की भूमिका सिर्फ वैक्सीनेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरी लहर के दौरान भी लग्रो इंडिया ग्रुप ने एक साथ कई जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। फ्रंट वर्कर्स और जरूरतमंदों को PPE किट मुहैया कराना, माइग्रेंट तक खाना पहुंचाना, और जब देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी तो लग्रो इंडिया ने अस्पतालों तक ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक पहुंचाने में भी मदद की। इसके अलावा ICU बेड के भी इंतजाम करने में लग्रो इंडिया ग्रुप आगे रहा। But then we started to work on more longer plan with our employees, and we help them to get vaccinated. We provided a lot of PPE kits for our customers, for the communities, and we also provided food for the migrants. We provided as well some ICU beds. There was an issue with oxygen, so we decided as well to provide oxygen concentrators, cylinders, generators. इस बार भी लग्रो इंडिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ चढ़ कर निभा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए भी लग्रो इंडिया ने बड़े स्तर पर अभियान चला रखा है। इस साल लग्रो इंडिया का भारत में 25 साल पूरे हो रहे हैं, और अपनी ये 25वीं वर्षगांठ 25,000 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद धूमधाम से मनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी, बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।